नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने पलवल में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किसानों से बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन बीजेपी ने लोगों से किए हुए वायदे पूरे नहीं किए हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को राजनीतिक साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया है और प्रदेश में इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा कि SYL और स्वामीनाथन आयोग सहित जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश अधिकार यात्रा निकाली जाएगी और लोगों को प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। लोगों ने ये सोच के वोट दे दिया कि 15-15 लाख अगर तुम्हारे खाते में हो जाएंगे तो जो कर्जा तुम्हारे सर पे उस कर्ज से तो कर्ज मुक्त हो जाओगे और बचे हुए पैसे से अपना कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करके आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए सुविधा खड़ी करोगे।